राजमंत्री कोई है या कि नहीं? बिल्कुल तैयार है। ये बताओ इसमें महाराज पंडित जी मैंने कहा चरण छुए। चरणजीव रहो, बंगला के अंदर राजा प्रथम है। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव सभा लगी हुई है और महाराज आसन पर विराजमान है। आप जाइए, हाँ कह दो आपके कुल गुरु ब्राह्मण गंगाधर पधारे हैं। बहुत अच्छी बात है, राजन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चरणजीव रहो बेटा। हे राजन, आपके कुल ब्राह्मण जो हैं गंगाधर वो दरवाजे पर विराजमान हैं, कहो तो उन्हें ले आऊं? जाइए उनको आदर के साथ मेरे पास बुला ले आइए। बड़ी अच्छी बात है। हे गुरु महाराज, आदर के सहित चलिए मेरे साथ। चलिए। आसन पर बैठिए गुरुदेव। महाराज आसन ग्रहण कीजिए। नीचे क्यों जुगत हुआ है? फिर थमके रूठ गए जगदीश, आबत देखो जब ब्राह्मण को गद्दी से उतरी नबाय दो। महाराज मैंने कहा पाए लगे चरणजीव रहो आज तो बहुत। महाराज हाँ अब चले जाते हैं तो कई दिन हो जाते हैं, हम हटे ना बहुत दिन बाद खबर लेते हैं। हाँ कहाँ चले गए तुम्हारा? काशीपुरी गए थे बेटा, कल 12 बजे पत्थरा गिरी। हाँ हमारे मुंह अब लगी, उन्होंने उठाई बाबा देखे तुम्हारे दिन गिरा कछो अच्छे हैं, तो हमने चलो राजा प्रसव को समझा चले ताकि बाद ही घरे चले। महाराज हाँ मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। किस बात से? कुछ कहा नहीं जाता महाराज। कहोगे नहीं तो मैं क्या जानूंगा भाई। जिलेदार पत्रा लायो महाराज। अरे पत्रा को तो खाता ही है। पत्रा खोल के देखिए, मगर एक बात सुनो पहले कि हमने 12 तो 12 तो साल रे गुरु जी बनमय करी थी तपास। अच्छा ठीक महाराज, मैंने 12 साल तपिया बन में तपस्या की, तपस्या का कोई नतीजा नहीं मिला, ऐसा कौन सा दिन आएगा महाराज
जो हमारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा। बताओ महाराज, आपकी जो बड़ी बंजहा रानी जो काम बनाती है वो गर्भवती है। क्या कह रहे महाराज? ये पुत्र या पुत्री पैदा करेगी, निर्वंशी नाम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज। पत्रा कह रही है महाराज, अगर हमारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। अगर कहीं बेटा पैदा हो गया कितनी खुशी होगी। अगर मेरा निर्वंशी नाम मिटेगा तो मुझे बहुत भारी खुशी होगी महाराज। बताओ वैसे ना। अरे अष्ट बेकी यके गुरु जी नरवर में कर आए। शाबाश। अष्ट बेकी यज्ञ नरवर में करवाएंगे महाराज। मैं समझता हूँ भैया। मान तो भनई जा मैं अपने अंगना में के मां आए। और महाराज कुआरी तो कन्या में अपने अंगना में खवा आए। और क्या करें महाराज जाने। सोने के सिंह में गुरु जी गमन के मरा आए। कंचन के कड़ा में गुरु जी तुम कहो पहराए। यो कब हमारो तुमसे ब्राह्मण को बहुत से लुटेगी धनुमा। मगर एक बात है महाराज, मुझे बहुत भारी खुशी हो गई। मारे एक बात बताओ। कौन सी? अरे कौन से घरी में मेरे लला जन्म पत्रा कहिए तुम बताइए। अरे कौन से घरी में अरे मेरे बेटा जन्म अरे मेरे ब्राह्मण पत्रा की बताए दे मौका होगा। और ये जसवंत भैया हमारे हैं और संतोष भैया हमारे इसी कस्बा निवासी हैं। ये 50-50 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी धनबाद देती है। ये भैया है कि महाराज अभी तो खुशी हो रहे थे, अब तुम रोने लगे। रोने का कारण क्या है? पहले पन्ना खोलो खुशी भाई, तो जरो खोलो तुको खुशी पर महाराज। रोने का कारण क्या है बताइए। मती पूछो ये बात है, अगर नहीं मानता हो इधर गिरू तो कुआ है, इधर गिरू तो खाई है। अरे समझ लो मुसीबत सब सारा पे तुम्हारे। क्या कह रहे महाराज? तुम्हारे भाभी तुम्हारे ऊपर है। और हमारे ज्ञान सिंह भाई हमारे नगला मना निवासी हैं। ये 100 करोड़ में 500 करोड़ में से 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी धनबाद देती है। बताइए महाराज। मते कब बाबा? नहीं महाराज बताओ जरूर। सुनिए मास्टर साहब। अरे लड़का रे जनेगी अरे तुम्हारी तो ये तो अच्छी बात है।
बचना खाते हैं। क्या कह रहे हो? बचना खाते रवि मतलब बामन कुत्ता थी जो कहो की नहीं साथी पतला चला रही की तुम अपने मन से कह रहे हो। बेटा का जन्मेगा मैं आंखों से देखेंगे अंधे हो जाएंगे गोदी में खिलाएंगे तो काया से कोड़ी हो जाएंगे। बच्चा कह रही है अगर कहीं लड़का की जगह पर कहीं अगर लड़की होती है तो बोली को बताइए तो क्या होगा? अरे गुरु जी करे है अरे विश्वावती के महाराज रवि महाराज है कि दे पचरा झूठी ढोरो कहिए मास्टर अगर कन्या पैदा करेगी तो विश्वा के काम करेगी। अरे गुरु जी आए तेरे अरे गुरु जी हम तो निर्मले महाराज अरे आए तेरे बल्ले गुरु जी तेरे बल्ले जय बल्ले जरूरत गुरु जी पीला महाराज अरे कैसे तौर राज बचेगो महाराज अरे कैसे तौर राज बचेगो कसवा दरबार अरे गुरु जी मोई पत्रा की बताए दे नरवर में बात मेरा कैसे राज बचेगा बचना बताइए तो हम सोई कहिए बताइए महाराज बताइए महाराज उगरिया लाओ लीजिए महाराज ये कहो पत्रा की सौगत से जो पत्रा कहेगी मैं करूंगा करूंगा करूंगा। ठीक है महाराज आपकी जो पत्रा कहेगी मैं करेंगे करेंगे और करेंगे बस योग का अब चिंता मत करो राज सब फटो तो ऊपर बताओ महाराज कैसे बचेगा। अरे तो बनाओ कर ले अरे बुलवा राजन मती पलकी देर तो लगी हो रखे
तो ये कलुआ पीता का क्या होगा? काम करोगे? कौन सो मैं बताए? आप बताइए, करिए करने लायक हो जाता मास्टर। अरे गुरुजी मंजा रे रानी, अरे मैंने अरे मोरो दर के का कर रहे। अरे गुरु जी मेरे मंजा को लिया मत नरवर में, तो झलरिया गुरु जी बताए रहे। तो कबो भवो ही ना जाए छोड़ी बाई मराए जा रहे।
जो पत्रा काट रहे मेरे एक गुरु ज्ञानी, अरे मेरे ब्राह्मण ज्ञानी, दिल की बताए रब तुम कहो महाराज। देखो महाराज बताओ तुम्हें सौ मरा सकते हैं, रड़ी मचाने की तो जरूरत है ना। हमने तुमने पूछी हमने बताई दी, अब मर्जी है तुम्हारी, करो या मत करो, किस्म खाई है दरवाजा दिया है। आप अगर झूठ मानो कभी गिंजाई देगी अपने? हाँ गिंजाई तो देगी है। कितने घोड़े हो? गिंजाई के तो अनेक घोड़े होते हैं। एक टूटिया लंगड़ी मालूम पड़े, अगर एक पैर अगर टूट जाए हाँ तो गिंजाई लंगड़ी नहीं मानी है। अरे यार मेरे एक से एक रानी है, अगर एक खराब हुई यही तो बाबी ने तुम रड़ुआ हुई है यार। जाओ जांच करो, अगर मंजा गर्भ से है तो उसे मरवा देना, गर्भ से नहीं है तो पंडित को फांसी लगवा देना।